बिहार के इस धरा पर कदम कदम पर कई ऐसे पौराणिक मंदिर हैं जहां देश के कोने कोने से भक्त आते रहते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर। मान्यता है कि भगवान भास्कर को अर्घ देने की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। कहा जाता है कि यह मंदिर द्वापरकालीन युग का है। मान्यता है कि इसी मंदिर से सूर्य देव की आराधना का त्यौहार छठ की शुरुआत हुई थी। यह मंदिर नालंदा जिले के बिहार शरीफ से 10 किमी की दूरी पर बड़गांव में स्थित है। धर्म के जानकारों की माने तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा सांब कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के पास स्थित सरोवर में स्नान ध्यान कर सूर्य की उपासना की थी, जिसके बाद राजा सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। धर्म के जानकारों का कहना है कि द्वापर काल में जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पांडवों के साथ राजगीर आए हुए थे तो उन्होंने बड़गांव पहुंचकर भगवान भास्कर की आराधना की थी। इसके अलावा मगध सम्राट जरासंध और अजात शत्रु ने भी यहाँ पर दीनानाथ की विधि विधान से पूजा आराधना की थी। इस मंदिर की प्रसिद्ध देश के कोने कोने तक फैली हुई है। कार्तिक और चैती छठ पर हजारों श्रद्धालु यहां अर्घ देने पहुंचते हैं। यह मंदिर देश के 12 प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक है। बताया जाता है कि 1934 में आई भयावह भूकंप में यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद इस मंदिर को फिर से दुरुस्त कराया गया। बड़गांव से छठ व्रत के प्रारंभ होने की कई कथाएं प्रचलित हैं। धर्म के जानकार बताते हैं कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गए हुए थे। उस दौरान भगवान माता रुक्मणी के साथ विहार कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा को देखकर राजा सांब को किसी बात पर हंसी आ गई, जिसके बाद उन्होंने राजा सांब को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। राजा सांब के कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के बाद भगवान वासुदेव ने सांब को रोग से निवारण के लिए सूर्य की उपासना और सूर्य राशि की खोज करने की सलाह दी थी। भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर जब राजा सांब सूर्य राशि की खोज में भटकते भटकते राजगीर आ पहुँचे थे, इस दौरान उनको जोर से प्यास लगी। इसके बाद उन्होंने अपने सेवक को कहीं से पानी खोज कर लाने का आदेश दिया। जंगल होने के चलते सेवक को दूर दूर तक पानी नहीं मिला। काफ़ी तलाश करने के बाद सेवक को एक गड्ढे में थोड़ा सा जल मिला, लेकिन वह काफ़ी गंदा था। जब सेवक ने पानी को लाकर राजा सांब को दिया तो राजा ने उस पानी से हाथ पैर धोकर उस जल के सेवन किया। जल का सेवन करते ही राजा सांब का कुष्ठ रोग ठीक होने लगा। तब राजा ने 49 दिनों तक राजगीर में रहकर सूर्य उपासना और अर्घदान की। तब जाकर राजा सांब को महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति मिली।